अच्छे कार्य जीवन को महान बनाते हैं। यह मत भूलें कि यह जीवन अस्थाई है, इसलिए जीवन के हर क्षण का उपयोग किया जाना जरूरी है। मौत आ जाएगी तो फिर कुछ भी ना रहेगा, ना यह शरीर, ना कल्पना, ना आशा। हर चीज मौत के साथ दम तोड़ देगी। अधिक भूखा होने पर भी थोड़े में ही संतोष कर लेना, गहरी नींद में होने पर भी सतर्क रहना, स्वामी भक्त होना और वीरता, कुत्ते से ये 6 गुण सीखने चाहिए। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और उस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है। गुणी व्यक्ति का आश्रय पाकर गुणहीन भी गुणी हो जाता है। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे विजयी होते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। विषहीन सर्प को भी अपनी रक्षा के लिए फन फैलाना पड़ता है, इसलिए शक्तिशाली ना होते हुए भी शक्तिशाली होने का दिखावा करना आपकी रक्षा करता है। अगर समझाने से लोग समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। शत्रु चाहे कितना बलवान हो, यदि अनेक छोटे छोटे व्यक्ति भी मिलकर उसका सामना करें तो उसे हरा देते हैं। छोटे छोटे तिनके से बना हुआ छप्पर मूसलाधार बरसती हुई वर्षा को भी रोक देता है। वास्तव में एकता में बड़ी शक्ति है। किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। जंगल में सीधे तने वाले पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं। बहुत ज्यादा ईमानदार व्यक्ति को ही सबसे ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। अपने रहस्यों को किसी पर भी उजागर मत करो। यह आदत स्वयं आपके लिए ही घातक सिद्ध होगी। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखे उस पर विश्वास कभी ना करो। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने कभी प्रेम प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। तीन अभाग्य की बातें: बुढ़ापे में जीवन साथी का मरना, अपना धन शत्रुओं के हाथ में जाना और गुलाम होकर जीना। गुणों से मानवता की पहचान होती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं। महल के उच्च शिखर पर बैठने के बावजूद कौवे का गरुण होना असंभव है। किसी को भी बदलने में अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग स्वयं को रूपांतरित करने में लगाओ और यही रूपांतरण तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। लोग
किस्मत को दोष देते रहते हैं, पर यह नहीं सोचते कि बीज तो हमने ही बोया था। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। बहुत से गुणों के होने के बाद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। जो धैर्यवान नहीं है, उसका ना वर्तमान है और ना ही भविष्य। डर को नजदीक ना आने दो। अगर यह नजदीक आ जाए तो इस पर हमला कर दो। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।